नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निक पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में दोस्तों सभी कोई अपने आप में ना इम्प्रूव कर रहा है, तो इसी को लेकर दोस्तों हम सभी के बीच में आए हैं एक ऐसा फीचर्स जो फ़ोन के अंदर ही है। आपको कोई एप्लीकेशन कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, वो फीचर्स आपके फ़ोन के अंदर में है। आप उसे जान के समझ के सीख के उस फीचर्स का आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि आप अपने कीबोर्ड में कैसे थीम लगा सकते हैं, कैसे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने मनपसंद का कोई भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इसी तरह से नए नए बातों को सीखने के लिए, नए नए टॉपिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उम्मीद है कि आप अपने छोटे भाई का मदद जरूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप जिस भी किसी के अपने मन से जिसको भी आप ओपन करना चाहते हैं आप उसे ओपन कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसको ओपन किए, तो उसके बाद इसको ओपन करने के बाद आप क्या करना है, टाइप ए मैसेज जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां देखिए कि यहां तीन डॉट डॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर कई तरह के ऑप्शन आएगा, थीम का ऑप्शन आएगा, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, थीम पर क्लिक करना है। थीम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों गैलरी में जाइएगा आप, और यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी पिक ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पिक लेकर दिखाता हूँ, और यहाँ आप अपने कीबोर्ड के हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आप अपने फ़ोटो को इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो हम इस तरह से करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एडजस्ट ब्राइटनेस दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पूरा ज़्यादा करके दिखाया, तो आपको क्या करना है यहाँ पर डन कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो वर्ड है तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप इसको बंद करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी प्रकार से रखता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो मैं आपको कोई अगर आप कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कि बहुत तरह का कलर है दोस्तों, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे कुछ डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको लगाना चाहता हूँ। देखिए कि ये भी यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर भी आप इसको डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे कीबोर्ड में वो आ चुका है। तो दोस्तों ये जो है ये सिर्फ व्हाट्सएप पर ही नहीं रहेगा, आप कोई भी कीबोर्ड कहीं से भी कीबोर्ड अगर आप निकालेंगे तो आपको ये कीबोर्ड में वो पिक या फिर थीम आपको दिखाई देगा जो भी आप लगाए हैं। जैसे कि मैं आपको मैसेंजर पे अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए कि मैसेंजर पर भी वही थीम दिखाई दे रहा है मेरे कीबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिना किसी ऐप्स के, बिना किसी एप्लीकेशन के आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड में आप अपना फ़ोटो या थीम लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा कि बिना ऐप्स बिना एप्लीकेशन के आप अपने कीबोर्ड को डिजाइन दे सकते हैं, अपने फ़ोटो लगा सकते हैं, थीम लगा सकते हैं, और मोबाइल को एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।